दशाओं की चपेट में आए जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज यानी बुधवार को शुरू हो सकती है। शासन के आदेश के बावजूद मंगलवार को भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई थी। दरअसल इमारत और भवन स्वामी उनके आड़े आ गए, इस कारण मंगलवार को ध्वस्तीकरण का काम नहीं हो सका था। आपको बता दें, जोशीमठ में मंगलवार को होटल माउंट व्यू और मलारी, इन दो को ध्वस्त किया जाना था। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे, होटल स्वामियों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। होटल स्वामियों का कहना था कि होटल का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, साथ ही नोटिस तक नहीं दिए गए। विरोध बढ़ने पर प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े। दूसरी ओर अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि ऊंचे भवनों को तोड़ने के लिए क्रेन की आवश्यकता है, क्रेन इस समय यहां नहीं मिल पाई है, इसीलिए देहरादून से क्रेन भेजी गई है। देहरादून से चली क्रेन बुधवार को जोशीमठ पहुंच जाएगी। आपको बता दें, जोशीमठ में असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को प्रशासन द्वारा 45 भवनों और चिन्हित किए गए, इस तरह से अब जो है कुल 723 भवन असुरक्षित चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें से 86 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर लाल निशान लगा दिया है। जल्द ही इन भवनों को ढहाने की कार्रवाई होगी।